हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज अ सेट नंबर 10 ऑफ ज्योग्राफी सीरीज। ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज में हम जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से रिलेटेड आज हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, तो पेशेंस बनाकर वीडियो को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन है, बिफोर द अर्थक्वेक वेव्स हिट द रीजन द डैश गैस अमाउंट इंक्रीजेज इन द एटमोसफेयर ऑफ दैट रीजन। देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो पक्षी चहचहाते हैं, हलचल मच जाती है एटमोसफेयर में, हलचल मच जाती है। जो भी जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक, वो आवाज़ें करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, उस एरिया में जहाँ अर्थक्वेक आने वाला है वहाँ रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस और जो चिड़ियाँ हैं और पक्षी हैं, वहाँ पर उनको क्या है, दिक्कत होने लगती है। इसलिए वो आवाज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रेडोन गैस की मात्रा वहाँ बढ़ जाती है और यही संकेत है अर्थक्वेक आने का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेडोन। ठीक है, रेडोन गैस की मात्रा एटमॉस्फेयर में, उस रीजन में जहां अर्थक्वेक वेव सेट करने वाली हो, बढ़ जाती है। सेकंड, द इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव टू द सिस्मिक वेव्स विच हेल्प अस टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे क्या है, सिस्मिक वेव्स की जो इंटेंसिटी है उसको मेज़र किया जाता है, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको मेज़र किया जाता है। किसके थ्रू? देखिए, हाइग्रोमीटर से क्या है, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है या वाटर वेपर है। आजकल ह्यूमिडिटी का मौसम चल रहा है ना, ठीक है, तो एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी अमाउंट है वाटर वेपर का, वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या है, विंड की स्पीड को मापा जाता है, एनीमोमीटर से विंड की स्पीड को, और पायरेनोमीटर से जो सोलर रेडिएशन के कारण, सोलर रेडिएशन इसको नापा जाता है कि कितना ये क्या है, हीटिंग पावर है इसकी, ठीक है, वो पायरेनोमीटर से, एनीमोमीटर से, विंड स्पीड, हाइग्रोमीटर से एयर की में कितनी ह्यूमिडिटी, और सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। इनमें से कौन सा स्केल ऐसा है जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नहीं मापते हैं? रोजी फेरल स्केल मापते हैं, ठीक है, रोजी फेरल अर्थक्वेक की कितनी यूनिट से कितनी तक मापता है ये भी याद रखना, 1 to 11 यूनिट तक, 1 से लेकर 11 यूनिट्स तक। देन इसके बाद आता है मर्केली स्केल, ये एक एम्पेरिकल स्केल है, एम्पेरिकल स्केल, इसमें कितनी यूनिट, ये 12 यूनिट में डिवाइड होता है, 12 यूनिट्स में। कार्टोग्राफिक स्केल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कार्टोग्राफिक स्केल कहाँ काम आता है, मैपिंग में, ठीक है, जब मैप बनाते हैं वहाँ पर ये काम आता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल ये इम्पोर्टेंट है, इसकी खोज किसने की या इसको डिवाइस किसने किया, चार्ल्स एफ रिएक्टर ने, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रिएक्टर स्केल है। चार्ल्स एफ रिएक्टर कब, 1935 में। ये एक मैथमेटिकल स्केल है, मीन्स एल्गोरिदमिक स्केल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0 से 9 यूनिट तक, ठीक है, ये मेज़र करता है 0 से 9 तक जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की। अब इसमें क्या है, जो एक यूनिट है, ईच यूनिट पर ये 10 टाइम्स, जैसे लॉग बढ़ता है ना, तो एक यूनिट जैसे ही बढ़ी, जैसे 6.2 है, 6.4 है, इस तरह से अगर एक यूनिट भी बढ़ी पर यूनिट पर, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है अर्थक्वेक वेव्स का, वो 10 के फैक्टर से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल, रोजी फेरल स्केल, यहाँ ये काम आते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मापने में। नेक्स्ट है, द लाइन ज्वाइनिंग द रीजन ऑफ सेम सिस्मिक इंटेंसिटी आर कॉल्ड।
उस वो लाइन जो अर्थक्वेक उस रीजन को ज्वाइन करती है जहाँ सेम सिस्मिक इंटेंसिटी हो, ठीक है। यहाँ 6.4, 6.4, 6.4, अब ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस विच एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक ट्रिमर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। वो लाइन जो प्लेस को ज्वाइन करती है जहां अर्थक्वेक ट्रिमर्स एक ही टाइम पर आती हैं, यहां आया, यहां आ गया, इस जगह आ गया, तो ये जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक साथ अर्थक्वेक ट्रिमर्स आती हैं, इधर आ गया, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको होमोसिस्मल लाइन्स बोले। दोनों में अंतर समझना। आइसोसिस्मल क्या है? जहाँ सेम इंटेंसिटी हो, ठीक है, अर्थक्वेक की, उसको आइसोसिस्मल। वो प्लेस जहाँ अर्थक्वेक ट्रिमर्स एक ही टाइम पर एक्सपीरियंस होते हैं उसको होमोसिस्मल लाइन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, द प्लेस वेयर द सिस्मिक एनर्जी इज रिलीज्ड इज कोल्ड। उस प्लेस को क्या बोलते हैं जहाँ से सिस्मिक एनर्जी रिलीज्ड होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है फोकस, और जहाँ पहली बार टकराती है उसको बोला जाता है एपी सेंटर। एपी सेंटर फोकस का एक दूसरा नाम और है, फोकस का दूसरा नाम क्या है? हाइपो सेंटर भी है। क्या है? हाइपो सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोकस भी है, हाइपो सेंटर भी है, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण क्या हैं, ठीक है, कॉजेज क्या हैं? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। फोल्डिंग, फोल्टिंग, वोल्केनिक इरप्शन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, आइसोस्टेसी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इलीगल माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग, आइसक्वेक, सभी इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं अर्थक्वेक आने के, ठीक है। तो यहाँ समझाएंगे कम से कम 15-20 मिनट तो लग जाएगी, इसलिए वो चीज़ें हम अलग से क्लासेस में कराते हैं। यहाँ हमारा मेन मकसद है कि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लगे किस तरह से आते हैं पीजीटी वगैरह में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड वर्ल्ड सिस्मिक सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ देयर फोकी इंटू थ्री टाइप्स। किसने अर्थ को फोकस के बेसिस पर तीन टाइप में डिवाइड किया? 0 से 50 किलोमीटर तक, उसको नाम दिया मॉडरेट अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक 50 से जो 250 तक है, और 250 तक से 700 तक है, ठीक है, ये अलग अलग नाम दिए हैं। 0 से 50 तक, 50 से फिर 250 तक, 250 से 700 तक। तो पहला मॉडरेट, इंटरमीडिएट, फिर देन इसके बाद डीप फोकस अर्थक्वेक, ये दिए गए गुटनबर्ग साहब के द्वारा। गुटनबर्ग का नाम और कहाँ आता है? जो डिसकंटिन्यूटी बताई थी, डिसकंटिन्यूटी, जब अर्थ का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाई थी ना, वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी बताई थी। तो कमेंट में आंसर बताइए कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किस किस को अलग करती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किससे रिलेटेड है, इस तरह से आता है, लेकिन यहाँ हमने थोड़ा एडवांस कर दिया है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी अर्थक्वेक से रिलेटेड है, और किसके द्वारा दी गई? हैरी फील्डिंग रीड के द्वारा। ये याद रखना है मेन कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, किसके द्वारा? हैरी फील्डिंग रीड के द्वारा दी गई। नेक्स्ट, व्हाट आर प्राइमरी वेव्स आल्सो कॉल्ड। प्राइमरी वेव्स का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी वेव्स को क्या है? पुश वेव्स भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड। आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक किसको माना जाता है, जहां 5 लाख से भी ज़्यादा कैजुअल्टी देखने को मिली थी, ह्यूमंस की डेथ देखने को मिली थी? वो है चाइना का सेंजाई अर्थक्वेक।
ठीक है, चाइना में आया था सेंजाई अर्थक्वेक, सेंजाई एक जगह है चाइना में, वहाँ पर आया था। तो करेक्ट आंसर इसका सेंजाई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पर सबसे पहली वेव कौन सी रिकॉर्ड की जाती है। तीन वेव्स बताई थी, पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स, जिसको लव वेव्स भी बोला जाता है, ठीक है, ये तीनों तरह के। तो पहले कौन सी रिकॉर्ड की जाती है, पी वेव्स, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। हाउ मैनी अर्थक्वेक कोज्ड मोर देन 1 मिलियन कैजुअल्टी, कौन कितने अर्थक्वेक अब तक ऐसे हैं जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा कैजुअल्टी देखने को मिली है। तो अब तक टोटल 7 अर्थक्वेक ऐसे हैं, ठीक है। चाइना का जो बताया वहाँ 5 लाख प्लस बताया ना हमने, वहाँ 5 मिलियन से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा कैजुअल्टी देखने को मिली थी, ठीक है, 5 लाख का रिकॉर्ड बताते हैं वहाँ पर। तो अब तक 7 अर्थक्वेक ऐसे आ चुके हैं जहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा कैजुअल्टी देखने को मिली है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है क्या इंडिकेट करता है। देखिए जो अर्थक्वेक है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर जो आता है वो एनर्जी तो रिलीज्ड होती है तो उसकी वजह से ही आता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनर्जी रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ सिटी एंड देयर अर्थक्वेक जोन आर करेक्ट, एक तरफ सिटी दी गई है एक तरफ जोन दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कोलकाता जोन 3 में आता है, बिल्कुल सही है। गुवाहाटी जोन 5 में आता है, ये भी सही है। दिल्ली जोन 4 में एंड चेन्नई जोन 2 में, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, सारे ही करेक्ट हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज शोन हाउ मैनी सिस्मिक जोन्स, इंडिया में कितने सिस्मिक जोन है। देखिए इसमें अगर आप जोन 5 आपको पता है अभी ऊपर देखा था तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, 5 जोन बताओगे लेकिन 5 जोन नहीं होते, जोन 2 से लेकर जोन 5 तक होते हैं, जोन 2 से लेकर जोन 5, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, टोटल 4 होते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज लोकेटेड इन द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक, भारत का कौन सा क्षेत्र हाई रिस्क जोन में आता है, इंडियन डेजर्ट, हिमालयन रीजन, कोस्टल रीजन, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स। तो करेक्ट आंसर हिमालयन रीजन में ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इसका। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक विच टाइप ऑफ वेव्स गेट जनरेटेड, तो हमने 3 तरह की वेव्स बताई थी, पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस या लव वेव्स, ठीक है, सरफेस या लव वेव्स बोला जाता है, पी एस एल, तो पी एस एल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक, यहाँ पर करेक्ट पूछा है, अर्थक्वेक प्रोन जोन्स आर रेंज फ्रॉम जोन 1 to 5 इन इंडिया, ये गलत है, जोन 2 से जोन 4 तक है, ठीक है, जोन 2 से जोन 5 तक है, तो टोटल 4 जोन होते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, तो करेक्ट, ये गलत हो जाएगा, जोन 1 से नहीं जोन 2 से है, ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट काट देते हैं, तो आंसर तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा 2 and 3। देख लेते हैं आगे क्या बोला है, रिएक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल मेजर मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक रेस्पेक्टिवली, सही है। सैन एंड्रयूज फॉल्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये भी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लातूर अर्थक्वेक ओकर्ड इन, लातूर अर्थक्वेक कब आया था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1993 में। लातूर कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ये अर्थक्वेक देखने को मिला था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जाते जाते, भुज अर्थक्वेक कब आया था, भुज अर्थक्वेक कब आया था ये आपको बताना है, और इस पर एक मूवी भी है काय पोचे,
ठीक है, अगर आपने देखी होगी तो आप बता दोगे कब की ये मूवी है। ठीक है, मई मीन्स अबूज अर्थक्वेक किस डेट में आया था उसमें डेट भी मेंशन की है, प्लस ईयर भी बताया है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। दो क्वेश्चन आज हमने पूछे हैं, एक गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको अलग करती है और अबूज अर्थक्वेक कब आया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सेट 11 के साथ। तब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।